अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? यकीनन खैरियत से होंगे। और मैं अपने ब्लॉग के साथ हाजिर हो रही हूँ। ये मैंने आलू गोभी बना रही हूँ। ये आधा किलो गोभी है और इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और ये आधा किलो से कम आलू हैं, तीन दरमियाने साइज़ के आलू हैं, इसको मैंने कट कर लिया है। और ये एक कप तेल है सरसों का, और ये चौथाई हिस्सा कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, कुटी हुई पिसी हुई, चौथाई से भी कम हल्दी है। और ये थोड़ा सा धनिया है और नमक है एक टेबल स्पून, और थोड़ा सा ज़ीरा है। ये तीन दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, और ये दो हरी मिर्चें हैं, ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है। और मैं आलू गोभी के अंदर थोड़ी सी पालक डालती हूँ, इसको भी मैंने धो के अच्छी तरह से मैंने रख लिया है। अब ये मैं अब चलती हूँ पकाने की तरफ। का तेल डाल दिया मैंने इसके अंदर। अगर आप चाहें तो किसी भी ऑयल में जो आप यूज़ करते हैं उसमें पका सकते हैं, लेकिन मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। तेल मेरा भी ये देखें गर्म हो गया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, लाइट करना है ताकि सॉफ्ट हो जाए हल्की हल्की सी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ये ज़ीरा डालूँगी। इसके अंदर मैं इसको चलाऊँगी, फिर इसके अंदर डालूँगी मैं आप लोगों को अदरक लहसुन डाल का पेस्ट बताना भूल गई थी, लेकिन ये देखें मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया इसके अंदर ताकि ये अच्छी तरह इसकी स्मेल चली जाए। टमाटर डालूंगी, बहुत झटपट पक जाती है माशाल्लाह से, ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये थोड़े से टमाटर अच्छी तरह से मुरझा जाए तो फिर इसके अंदर मैं मिर्च मसाले डाल दूंगी। ये देखें अच्छी तरह से टमाटर मुरझा गए हैं। अब मैं इसके अंदर मिर्च मसाले डाल दूँगी। अब मैं देखें इसके अंदर आलू डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको भुनाई होगी, साथ साथ ये गोभी भी डल जाएगी इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे हम। इसके अंदर देखें ये पालक भी डाल दी है मैंने। मैं डालती हूँ इसके अंदर पालक, अगर आप लोग नहीं डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पालक से थोड़ा सा जायका आ जाता है, इसलिए गोभी में थोड़ी सी मिठास होती है और पालक में थोड़ी सी नमकियात होती है, तो इसलिए इसका टेस्ट अलग हो जाता है। आप ज़रूर डाल के पकाइएगा, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, और बहुत अच्छी बनेगी। आप जब तैयार हो जाएगी तो फिर आपको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखेंगे मेरा आलू गोभी तैयार हो गया है और यह भुनाई पर आ गया है। इस तरीके से बहुत सारे लोग खड़ी खड़ी खाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह खाते हैं घुटी हुई थोड़ी सी, लेकिन ना ज़्यादा ये घुटी हुई है ना ये ज़्यादा खिली खिली है। बस इसको अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है, और इसके अंदर मैं अब अदरक और हरी मिर्चें शामिल करूँगी। ये मैंने डीप फ्रीज़र में अदरक रख दी थी तो इस तरह हो गई है। ये देखें इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ मैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी और हल्का सा गरम मसाला डालूँगी थोड़ा सा। अगर आप लोग गरम मसाला डालना चाहें तो सही है, नहीं तो कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हल्का सा गरम मसाला डलता है। हरा धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से इसको चलाऊँगी मैं चला के, और हल्का सा गरम मसाला डाल रही हूँ।
ये मेरी आलू गोभी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप ज़रूर बनाइएगा और इसको बना के खाइएगा, देखिएगा कितनी मज़े की बनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आलू गोभी देखें तैयार हो गई है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और बनाइएगा और अच्छी तरह से खाइएगा, फिर आप बताइएगा मुझे कि कैसी बनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।